इतने बुझे बुझे गाने क्यों गा रहे हो? समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही समझ नहीं आ रही। मरूद ले उसमें से कीड़ा निकल आता है, क्यों पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि मरूद की केयर नहीं करते, स्प्रे नहीं करते, इसलिए उसमें से कीड़ा निकल आया। यहाँ तो हर बंदा एक दूसरे में कीड़े डाल रहा है। पीटीआई नून लीग में, नून लीग वाले पीटीआई में, यहाँ तो हर बंदा कीड़े डाल रहा है, कीड़ा निकल आया। चलो इस बात की तो समझ आती है क्योंकि मरूद की केयर नहीं की, उसमें से कीड़ा निकल आया। ये बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी बेकरियों में से जब कोई सामान लेते हैं उनमें से कीड़े निकल आते हैं, इस बात की समझ नहीं आती मुझे। अच्छा फिर मजे की बात बताओ, गवर्नमेंट पकड़ भी लेती है, 10,000-20,000 रुपया जुर्माना कर देती है, वो जुर्माना फिर दे के फिर होटल चल रहे होते हैं। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही यार। एक बात की मुझे भी नहीं समझ आती, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि कीड़ा मरूद से बाहर आके भी सोफे पे बैठ जाता है। यार देखो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इतने हसीन मेहमान आए और तुम इसी मुंह से आ गए। समझ, ये लोग पान खाते हैं, पान खा के उसकी पीके दीवारों पे, मतलब पान खाना समझ तो आता है कि पान खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इस बात की तो समझ आ गई, आ रही है। ये पान खा के उसकी पीके जो दीवारों पे गिराते हैं, इस बात की समझ नहीं आती मुझे। हाँ भाई, ये बुरी बात है भाई, जो पान खाता है उसे दीवारों पे ना गिराए। हाँ, जो जगह बनी वहां गिराए। मैं तो नीचे बिठा के झूठा देना, मेरा दिल करता मैं न्याणे चुप करावा लोकां दे। ओ कैसा तेरा मक्कू ठप्पे वर्गा मुंह है, मेरे कितना वेखंडिया तू। वैसे मेनू ही अज लगे के मेरे सामने ना कोई लानती जिहा बंदा आएगा, ते सवेर दा ते आया नहीं, हुण तू आए। यार मैंने अज कोई गल, मैं आपसे बाद में इस बात की समझ नहीं आ रही। एक बंदा गाड़ी गाड़ी को डंडा मारता, उसका शीशा तोड़ देता, इस बात की तो समझ आ रही है। छोटा सा नुकसान किया, उस पे केस हुआ, वो बच गया, चलो इस बात की समझ आई, आई ना। यहाँ लोग कत्ल करके फिर बाहर घूम रहे होते हैं, इस बात की समझ नहीं आती मुझे। कहाँ है सब लोग, कहाँ है तुम लोग? जागो, समझ लो मेरी बात, समझ लो सब। ये मॉर्निंग शो नहीं होते जो सुबह सुबह होते हैं, मॉर्निंग शो, चलो इस बात की तो समझ आ रही कि मॉर्निंग शो हो रहे हैं, मजा आ रहा है। इस बात की समझ नहीं आ रही, ऊपर से इंडिया के गाने लगा के सुबह सुबह हल्का हल्का रक्स होता है, इस बात की समझ नहीं आ रही, ये क्या है? Well, you've got a point. वैसे जी बेगम साहबा, इस बात पे मैं इत्तफाक करता हूँ कि हमारे इतने इतने बड़े स्टार और इनसे भी बड़े और स्टार, मतलब स्टारों के भी स्टार, ये भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं, आने वाले जो है वो भी किसी से कम नहीं। हमें वो प्लेटफॉर्म दिया जाए फनकारों को कि जिसपे हम कुछ कर सके। जब इंडिया के चलाना तो पाकिस्तान ने फनकार ने कार्च भांडे धोने, उन्हें चांस दो, उन्हें पूरी जगह दबो। बिल्कुल सही कहा, इस बात की समझ नहीं आ रही। अरे वाह हमारा अरशद जी, बिल्कुल क्या बात है। से बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ आज हमारा अरशद आई बैठे हैं। अरे क्या बात है, आपने आपको तो समझ ही नहीं आ रही। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अच्छा वो ना एक बात की समझ नहीं आ रही हमारा जी, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतना नवाजा है कि आपने पता नहीं केड़ी केड़ी कंट्री देखी, ऐसी तो जड़ाने तो गए नहीं महाराज जी। हाँ जी, एक बात की समझ नहीं आती, एक बंदे को गाना नहीं आता, इस बात की तो समझ आ रही है, आ रही है ना, कि उसे गाना ही नहीं आता वो फिर भी हिट हो जाता है, इस बात की समझ नहीं आती मुझे, वो कैसे हिट हो गया? क्योंकि सुनने वालों को भी तो मसीह की समझ नहीं ना है, तो वो उसी को ही हिट करेंगे जो उनकी नजर में परफेक्ट है। जितनी सी उनकी समझ है
तो वो उसी को ही वो करेंगे पर ना? मेरा आपने क्लासिकल ट्रेनिंग ली जी, आप खान साहब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की भी शागिर्द रही, हाँ आपने उनसे सीखा, हाँ इतने बड़े उस्तादों से सीखने के बाद ही इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो बाहर जाके दुनिया के सामने गा सके। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ जो सिंगर्स हैं उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना उनकी ट्रेनिंग है, तो आपको क्या लगता है क्या यही वजह बनी है पाकिस्तान में मौसीकी के जवाल की? नहीं, मौसीकी के जवाल जो है अभी तक, क्योंकि ये जो शोबिज इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना ही नहीं गया, आर्टिस्टों को वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो उनका हक था। म्यूजिक को पीछे कर दिया, कॉमेडी को पीछे कर दिया, ड्रामे पीछे हो गए, हर चीज मतलब खत्म कर दी। म्यूजिक को तो इतना पीछे कर दिया कि म्यूजिक जो है, जब साउंड सिस्टम पे ही पाबंदी लग गई तो फिर म्यूजिक किधर से आएगा? के आतिफ असलम अब मौसीकारी के साथ साथ गायकी के साथ साथ बहुत जल्द आपको मेजबानी करते हुए भी दिखाई देंगे। वाओ, वीना मलिक ने अब सिंगर बनने का ऐलान कर दिया है। अच्छा। और वीना मलिक ने हाल ही में एक तराना बनाया है जिसका नाम है ए दुश्मने वतन, जिसको एक रिटायर्ड कर्नल साहब ने लिखा है, और वीना ने इसका वीडियो अभी हाल ही में कराची में लॉन्च किया है और ये वादा किया है कि उनके पास पूरे तरानों की एल्बम रेडी है और वो बहुत जल्दी अपनी एल्बम लॉन्च करेंगी। मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है और ये होना चाहिए, और क्योंकि शोबिज का मतलब है एवरीथिंग। कोई जरूरी नहीं है कि जो सिंगर है वो सिंगर ही बन के सारी जिंदगी गुजार दे, या जो कंपेयर है वो कंपेयरिंग में ही वो सारी जिंदगी अपनी गुजार दे, या वट एवर, एक्सपेरिमेंट लाइफ में होने चाहिए। और जो आपके फैंस हैं वो अगर आपको डिफरेंट रूप में देखें और डिफरेंट चीजें करते हुए देखें तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी बात है, और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। बिल्कुल, और अब फिल्में भी बहुत सारी बन रही हैं और एक दफा फिर हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हुई है। थोड़ा सा शिफ्ट जरूर आया है, लाहौर से इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई है, नए चेहरे सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कोई अदाकारी करने का फिर से कोई इरादा है? ऑफर्स तो बड़ी हो रही हैं एक्टिंग के लिए, लेकिन इतना ज्यादा उसमें टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और मैं इतना ज्यादा नहीं, बेबी भी है मेरा छोटा, और वो इतना ज्यादा टाइम नहीं मैं चीज में देना चाहती, उसको जरा ज्यादा टाइम जो है वो देना चाहती। अच्छा, अभी आपने बेबी की बात की और आपके साथ भी एक पप्पू चाचा उर्फ बेबी चाचा बैठे हैं, बिल्कुल छोटे से बेबी लगते हैं। मेरा तो कई दफा इनको देखकर दिल करता है कि इनको मैं अपनी गोद में बिठा लूं, इनको गोद दे लूं, लेकिन खैर इनको छोड़िए, मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाइए। आप बचपन में कैसी हुआ करती थी? क्या आपको बचपन से गाने का शौक था? मुझे बिल्कुल बचपन से ही गाने का शौक था, और आर्टिस्ट जो होता है वो बचपन से ही होता है। हाथ साथी जो आर्टिस्ट होते हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आर्टिस्ट होते हैं, तो वो बॉर्न जो आर्टिस्ट होते हैं वही आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे डांसर्स हो, चाहे व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन कुछ अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो है वो बचपन से ही उन्हें मिल जाता है। तो मैं बहुत शरारती हुआ करती थी और मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक होता था। तो अम्मी मेरी पढ़ती थी, मिलाद पढ़ती थी, मजालिस पढ़ती थी, तो मैं उनके साथ सोस का नहीं किया करती थी, नाते पढ़ा करती थी। तो और स्कूल के कॉलेज के जितने प्रोग्राम होते थे उसमें मुझे बड़ा शौक होता था, मैं ज्यादा मतलब हिस्से लेती थी उसमें, और इसी तरह बस करियर का आगाज हो गया। मैडम माशाल्लाह तुहाडा इतना नाम है, तुसी वो गाना सुने जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते। नहीं, मैंने नहीं सुना। इन्हों होने तोड़ी ना खुदा दे वास्ते। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सुना ये गाना।